स्वास्थ्य मंत्रालय में 14 वर्षों से कार्यरत नोएडा के गोल्ड मेडलिस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर सुमंत मिश्रा ने ईद के मौके पर मिली सरकारी छुट्टियों को कुवैत, नेपाल और भारत में सामाजिक कार्य करके व्यतीत किया। आपको बता दें कि डॉक्टर मिश्रा ने अपने सरकारी अवकाश में कुवैत के स्मार्ट इंडियन स्कूल में अपनी टीम के साथ निःशुल्क मौखिक स्वास्थ्य एवं जागरूकता कैंप लगाया। इसके बाद नेपाल में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए अपने नेपाली भाई स्वर्गीय लहजेड सुकवाबा लिंबू के परिवार से मिले और उन्हें अपनी तरफ से कुछ आर्थिक मदद भी की तथा परिवार को सांत्वना दी। नेपाल से अपनी जन्मभूमि भारत आकर डॉक्टर मिश्रा ने देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में समर्पण सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा जिन मलिन बस्तियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, उन्हीं बच्चों के लिए डॉक्टर सुमंत ने निःशुल्क दंत परीक्षण एवं जागरूकता शिविर लगाया और सभी बच्चों से नई शुरुआत कराने के लिए उन्हें ब्रश एवं टूथपेस्ट गिफ्ट किए और ब्रशिंग का उचित तरीका भी बताया। इस कैंप में शैल पासवान और उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। शिविर की शुरुआत शैल पासवान द्वारा डॉक्टर मिश्रा को फूलों का गुलदस्ता और फूल माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर दी गई। छोटे छोटे बच्चों ने दंत परीक्षण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा बहुत ही समझदारी के साथ डॉक्टर मिश्रा द्वारा दी गई जानकारी को सुना। पावर पॉइंट लेक्चर में वीडियो एवं पिक्चर्स द्वारा सरल भाषा में लेक्चर के पश्चात डॉक्टर मिश्रा ने एक एक करके सभी बच्चों का दंत परीक्षण किया। बच्चों के डेंटल चेकअप के पश्चात डॉक्टर सुमंत ने अभिभावकों को उनके बच्चों के दंत स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से जानकारी दी। जिन बच्चों को शीघ्र उपचार की आवश्यकता थी, उनको डॉक्टर सुमंत मिश्रा ने तुरंत डेंटिस्ट से मिलने की गाइडेंस दी और जिन बच्चों को आवश्यकता नहीं थी, उनको ठीक तरह से देखभाल करने की सलाह दी। साथ ही मौखिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें और अच्छी मौखिक स्वच्छता के लिए विभिन्न निवारकों की भी सलाह दी। इस शिविर में सही ढंग से दांत साफ ब्रशिंग टेक्निक भी बच्चों, अभिभावकों, ट्रस्ट प्रशासकों के साथ साझा की गई। डॉक्टर मिश्रा ने अपने 2 मिनट चैलेंज एवं ब्रशाथन जैसे अभियानों से सभी प्रतिभागियों को प्रेरित किया। NBC News के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।